हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो यार? सब लोग आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। आज जो मैं ट्रिक बताऊँगा, अगर गाइस आप रैंक पुश कर खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आप एनिमीज़ को भी आराम से मार सकते हो और रैंक पुश भी आपका आराम से हो जाएगा। तो फिर चलो गाइस यार, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। तो गाइस आपको मिशन इग्निशन मोड में टेस्ला हाउस में आना है। टेस्ला हाउस में आने के बाद आपको इस तरह के तीन स्विच आपको मिलेंगे, आपको इसको ऑन करना है। अगर आपको पता नहीं है कि स्विच कहाँ कहाँ पर है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ आपको वहाँ वहाँ जाकर हर एक स्विच को ऑन कर लेना है। जैसे कि पहला स्विच हमने ऑन कर लिया है, अभी हम दूसरे स्विच को ऑन करने वाले हैं। आपको यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक स्विच मिलेगा, आपको इसको भी ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको नीचे आना है। आप नीचे आने के बाद आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर अंदर साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक स्विच आपको मिलेगा। यहाँ अंदर एक स्विच है, इसको भी आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपकी टेस्ला जो गाड़ी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप बाहर साइड में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में टेस्ला गाड़ी बनना शुरू हो गई है। इसके बनने का हम वेट करते हैं। जैसे यहाँ से जरा दूर से बाहर आएगी, हमें इसमें बैठ जाना है। वेट करते हैं हम। आपको जैसे टेस्ला कार आएगी इसमें बैठकर आपको इसको रिवर्स पीछे की तरफ लेना है। पीछे की तरफ इसको तब तक आपको लेना है जब तक यह ग्लिच होकर अंदर ना चले जाए। गाड़ी जब तक अंदर ना आ जाए तब तक आपको गाड़ी से उतरना नहीं, अदरवाइज आपकी गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी और आपका ग्लिच वर्क नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ग्लिच वर्क हो चुका है, मैं अंदर आ चुका हूँ और मेरे बंदे भी मुझे देख नहीं सकते, मैं अंदर आ चुका हूँ। अगर कोई एनिमी भी होगा तो आपको देख नहीं पाएगा, आप इजीली उसको सामने की तरफ से मार सकते हो। अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बाहर निकल सकते हो। आपको गाड़ी को जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपको लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद आप एग्जिट करोगे तो आप बाहर की तरफ आ जाओगे। अगर आपको फिर से अंदर जाना है तो आपको सिंपली उस डोर के पास जाना है। जाने के बाद आपको ड्राइव का बटन दबाना है या फिर आप डायरेक्ट गेट इन कर भी एग्जिट कर सकते हो और आप अंदर आ जाओगे। अगर एनिमीज हो गए तो आप उनको इजीली यहाँ से मार सकते हो, लेकिन इसका एक ग्लिच का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आप सिर्फ सामने की तरफ गोली मार सकते हो, अगर पीछे की तरफ कोई बंदा आता है एनिमी आता है तो आप उसको मार नहीं सकते हो। आप उसको फायर कर आगे बुला कर आप उसको ईजिली मार सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, मैं उसके लिए फ्यूल कैन ढूंढने की ज़रूरत है। मैं एक फ्यूल कैन ढूंढता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फ्यूल कैन रख दिया है। अब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर रैंडम बंदे मिले थे, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग गाड़ी वहाँ से हटा दिए थे। थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी अगर वहाँ लगाया तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कि आप यहाँ अगर फायर करते हो बंदे पर तो आप यहाँ बंदे को नहीं मार सकते हो। जैसे कि मैं अंदर आ गया हूँ तो देखो आप, मैं इस फ्यूल गन पर फायर कर रहा हूँ। 5 से 6 गोली में फ्यूल गन फूट जाता है लेकिन ये फूटा नहीं। तो आप समझ गए रहेंगे कि आप बंदे को यहाँ से नहीं मार सकते। अब मैं फ्यूल गन सामने की तरफ रखता हूँ, आपको सिंपली सामने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फ्यूल गन रख दिया है। अभी मैं अंदर जाकर आपको बताता हूँ कि आप बंदे को सामने की तरफ से मार सकते हो। जैसा कि ऑलरेडी मैंने 5-6 गोली फ्यूल गन को मारी थी तो अभी एक ही गोली में उसको फूट जाना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं उसे फिर से 6-7 गोली मारा हूँ उसके बाद ही वो फूटा है। तो आप समझ गए रहेंगे कि आप पीछे साइड से बंदों को नहीं मार सकते, लेकिन अगर सामने की तरफ कोई बंदा आता है तो आप इजीली उसको मार सकते हो, फिनिश कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। जो ट्रिक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। माय लोग, जो आपको ट्रिक बताने वाला हो ये भी टेस्ला हाउस में है। आपको सामने की तरफ इन सीढ़ियों से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको ये जो सामने रेलिंग दिख रही है आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। जैसे आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो सामने बॉक्स के ऊपर आपको जंप लगाकर इसके ऊपर खड़े होना है। फिर डबल जंप करने के बाद आप इसके ऊपर आराम से ईजिली चढ़ जाओगे।
और यहाँ से आप पूरी की पूरी स्क्वाड इजीली सुला सकते हो और एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनको मारा कहाँ से। अगर आपको रैंक पुश करना है तो यहाँ इजीली आप लेट कर रैंक भी पुश कर सकते हैं, और अगर लास्ट सर्कल यहाँ बनता है तो अगर बंदे आते भी तो आप उनको इजीली यहाँ पर मार सकते हो। तो फ्रेंड्स हम बिना टाइम इसके चलते हैं हमारे तीसरे ग्लिच की तरफ जो काफ़ी कमाल का है। पिछली ट्रिक जो हमने की बिल्कुल उसके सामने ही इन सीढ़ियों के पास से हमको ऊपर आना है। ये ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके बहुत काम आने वाली है, ध्यान से देखना मैं जैसे करता हूँ वैसे आपको करना है, तभी आपका एक ग्लिच वर्क होगा, ये ट्रिक आप कर पाएंगे। आपको सिंपली रेलिंग के ऊपर से जंप करके आना है, फिर आपको थोड़ा सा कॉर्नर में आकर खड़े होना है, और खड़े होने के बाद आपको थोड़ा पीछे की तरफ होकर जंप लगाकर डबल जंप जब आप करोगे तो आपका बंदा अंदर की तरफ आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इजीली यहाँ पर एक सीक्रेट रूम में आ चुका हूँ। अगर कोई सामने की तरफ एनिमी आते तो इजीली आप उनको मार सकते हो, फिनिश कर सकते हो, और बंदों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनको मारा कहाँ से। यहाँ पर बैठे बैठे आप आराम से अच्छे खासे किल कर सकते हो, अगर आप रैंक पुश करना चाहते हो तो रैंक भी आराम से पुश कर सकते हो। और हाँ मेरे भाई लोग, जो ट्रिक्स और ग्लिच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई फेक नहीं है, ये मैंने पहले खुद ट्राई किया है, उसके बाद ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो है जो मैं बाद में अपलोड करूँगा जो आपको हर सीज़न में काम आएगी। तो भाई लोग आपको बाहर आने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर चढ़ जाना है, ऊपर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से एक जंप लगाकर बाहर की तरफ आना है। जैसे आप जंप करोगे आप बाहर की तरफ इजीली आ जाओगे। तो भाई लोग आज की वीडियो में था इतना ही, कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा औसम लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में गाइस, टेक केयर गाइस, थैंक यू।